क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कहता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द मनी एट 5% फॉर 3 years इज 1200। अगर सिंपल इंटरेस्ट 12% पे 3 साल के लिए 1200 है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आई हम कहते हैं इसको, वो है 1200, रेट जो आई होता है वो है 5%, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 0.05। यानी जितने ज़ीरो हो ना उतने पॉइंट इधर लगाना था, एक रकम मौजूद है तो एक ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा लिया जाता है, नहीं समझ आती तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 3 years इसको हम स्मॉल एन आमतौर पर लिख रहे हैं, इनको तो निकालो क्या पता, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फार्मूला होता है आई एन बराबर पी 1 + i^n-1। कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो फॉर द सेम सम, यानी वही रकम है, सेम पीरियड, यानी पीरियड भी वही है, एन वही है, रेट भी वही है, यानी रेट और टाइम वही है तो निकालो। तो अब अगर मैं इसको हल करूं तो एन क्या है, यहाँ वही है ना 3 आ जाएगा, प्रिंसिपल नहीं है, आई क्या है 0.05, एन क्या है 3 - 1, अब प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर तो उसमें जो डाटा दिया उससे हम प्रिंसिपल बना लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन, तो आई जो है वो उसने दिया हुआ है 1200, प्रिंसिपल हमें चाहिए, आई है 0.05, एन जो है वो 3 है। ये दोनों रकमें इधर आके डिवाइड कर दें, 1200 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 1200 तकसीम 0.05 तकसीम 3। तो ये आई होप हमारे पास 8000 आ गया, 8000 प्रिंसिपल, इसको हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ये हल हो जाएगा 8000। इन दोनों को जमा करें तो 1.05 - 3 - 1, 8000। इसका मैं क्यूब ले लेता हूँ, ये देखो 1.05, यहाँ से ये उल्टा वी है ना, यहाँ से इसकी पावर 3 दबाया इक्वल, फिर -1 है, -1 कर दें, तो ये देखें हमारे पास आ गया 0.1576। अब मल्टीप्लाई 8000 कर दें तो ये आ गया 1261, ठीक है जी। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस सवाल में इसने हमें कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, रेट ये है 3 सालों के लिए, यही अमाउंट इस्तेमाल करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। सिर्फ प्रिंसिपल नहीं था उसके लिए, फिर हमने क्या किया, ये फार्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, यहाँ से वैल्यू निकाली, यहाँ रखी और सिंपलीफाई करके सवाल हमारा हल हो गया, ठीक है।